एक्सप्लेन और एक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जेनरेटर एक्स के सीजन 2 एपिसोड 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है लॉस्ट वीकेंड। इस एपिसोड में रेक्स के एक नए पार्टनर को दिखाया गया है, जिसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो। तो अब ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेक्स और बोबो एक ईवो से फाइट कर रहे होते हैं। तभी उसे एक कॉल आता है, तो वो कहता है धत तेरे की, हमें जल्दी करनी होगी। प्रोविडेंस आकर रेक्स कहता है मुझे ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सिर्फ एक रात की बात है, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच, और हम करेंगे पार्टी। रेक्स पार्टी के लिए अपने सामान पैक करता है। बोबो आकर कहता है वाह वाह रेगिस्तान, लेकिन मुझे रेत बिल्कुल पसंद नहीं, वहाँ मकड़ियाँ होती है। रेक्स कहता है तो तुम तुम्हारी फ्राइडे नाइट यहाँ बिताओगे? बोबो कहता है लड़की की बात में दम है। तभी व्हाइट नाइट कहते हैं तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ अभी। ऑफिस में आने के बाद रेक्स कहता है अभी आना जरूरी है व्हाइट नाइट, असल में मैं और बोबो निकल रहे थे किसी जरूरी काम से। नाइट कहते हैं उसे बाद में करना, अभी तुम सोनारान रेगिस्तान में एक अंडरग्राउंड पार्टी में शामिल होने जा रहे हो। रेक्स कहता है अब ये कोई नई टाइप की सजा तो नहीं है ना, मतलब आप हमेशा कोई बढ़िया सा लालच देते हो और अपने टेढ़े मकसद को साध लेते हो। नाइट कहते हैं तो तुम चाहते हो मैं किसी और को इस मिशन पे भेजूं? रेक्स कहता है ओ नहीं नहीं नहीं, बस एक सवाल, क्यों जाना है? व्हाइट नाइट कहते हैं क्योंकि जो ग्रुप ये पार्टी दे रहा है वो ग्रुप असल में ईवोस है, वहाँ सिविलियंस भी है, इसलिए वहाँ टैंक नहीं भेज सकते हैं। हालात का जायजा लेकर मुझे खबर करो ताकि फैसला कर सको कि उनसे निपटना कैसे है। रेक्स कहता है तो आप कह रहे हैं कि हम पार्टी में जाए सिर्फ हम दोनों? नाइट कहते हैं असल में इस मिशन पर तुम तीन जा रहे हो। रेक्स कहता है नहीं नहीं नहीं, आप कहीं हमारे साथ सिक्स को तो नहीं भेज रहे हैं ना? नाइट कहते हैं सिक्स को तुम्हारे साथ नहीं भेज रहा हूँ। तभी एक कैडेट एंट्री करती है। रेक्स कहता है केन्यून? ये सुनकर नाइट कहते हैं तो तुम मिल चुके हो, एजेंट जोन्स ने हाल ही में अकेडमी से ग्रेजुएट किया है, अपने काम में माहिर है। केन्यून कहती है मैं तुम्हारे साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड हूँ रेक्स। वो नाइट को कहती है मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक्स सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी और अपने टीम के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। रेक्स कहता है वैसे मुझे सिक्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तीनों पार्टी वाले जगह पे पहुँच जाते हैं। केन्यून कहती है तुम इस बात से खुश नहीं हो ना मेरी टीम में आने से? रेक्स कहता है क्या नहीं वो तो बस। फिर केन्यून कहती है तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी नाक कटवा दूंगी? रेक्स कहता है मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। वो तीनों ईवो पार्टी में आकर उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं। केन्यून के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर रेक्स कहता है हे मैं भी कभी तुम्हारी तरह नया था, चिंता मत करो तुम्हारे साथ तो पुराने खिलाड़ी है ना बोबो? लेकिन बोबो वहाँ पे नहीं होता है। केन्यून कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। रेक्स कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। केन्यून कहती है ट्रेनिंग में हम कहीं घुसने की शुरुआत फोकस पॉइंट स्कैन करने से करते थे। रेक्स कहता है क्या नहीं नहीं नहीं, जो तुमने अकेडमी में सीखा वो सब भूल जाओ, बाहर की दुनिया में तुम्हें दुनिया के साथ चलना चाहिए, मेरा तो यही स्टाइल है। केन्यून कहती है अगर हमें अपनी पहचान छुपाते हुए हमारा काम पूरा करना है तो हमें पहले फोकस पॉइंट स्कैन करने हैं। रेक्स कहता है देखो मुझे इन सब का मतलब भी नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मैं ये काम तुमसे कई ज्यादा पहले से कर रहा हूँ। तो केन्यून कहती है मैं यहाँ अकेडमी से लेफ्टिनेंट बन के आई हूँ, तो तुमसे बड़ी ऑफिसर मैं हूँ। रेक्स कहता है इसके जगह मेरे साथ सिक्स क्यों नहीं है? केन्यून आगे चलते हुए स्क्विड से मिलती है। स्क्विड कहता है तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। केन्यून नर्वस हो जाती है। रेक्स केन्यून से कहता है ये मेरा एक पुराना दोस्त है हांगकांग से। स्क्विड कहता है बहुत सुंदर है, तो ये तुम्हारी दोस्त है? रेक्स कहता है दोस्त नहीं नहीं नहीं, हम प्रोविडेंस के लिए काम करते हैं, दरअसल हम यहाँ पे पहचान छुपाए हुए हैं। केन्यून रेक्स को अपनी पहचान बताने से टोकती है। तभी वहाँ एट्यूट नाम का एक आदमी आ जाता है। केन्यून उसे अपनी नकली पहचान देती है और कॉल पे किसी को एट्यूट का जानकारी निकालने के लिए कहती है। वो रेक्स से कहती है अब हमें आगे चलना चाहिए, व्हाइट नाइट हमारी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे। रेक्स कहता है मैं बस अभी आया, और वो स्क्विड के साथ बात करने लगता है। केन्यून कहती है मैंने इस कमरे को अच्छे से देख लिया है, अब चलो यहाँ से। रेक्स स्क्विड से कहता है पहली बार जब हम मिले थे वो तो मुझे बस मारने ही वाली थी। अजीब सी बात है, पिछली बार हम मिले थे तो तुम भी मुझे मारने ही वाले थे। स्क्विड कहता है ये अपनी अपनी सोच होती है, अब क्योंकि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो तुम्हें एक बात बतानी है, कुछ परफॉर्मेंस को धमकियां मिल रही है। रेक्स कहता है किस तरह की धमकियां? स्क्विड कहता है मतलब वही किसी पिटी मरो इवो मरो।
पर हम टेंशन नहीं लेते। रईस कहता है अभी पता लगाता हूँ। इधर ईबॉस का परफॉर्मेंस चल रहा होता है, ये देखकर केनविन कहती है पहली बार देख रही हूँ लोग ईबॉस को मारने के बजाय तालियां मार रहे हैं। स्टेज के पीछे रेक्स देखता है एट्यूड एक माउस ईबॉ को परफॉर्मेंस देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, पर वो वहाँ से भाग जाती है। एट्यूड के पास वाला ईबॉ कहता है शायद वो स्टेज पर आने से डरती होगी। रेक्स एक सुरंग में आकर उस ईबॉ से उन धमकियों के बारे में पूछता है जिसके बारे में स्कूट ने उसे बताया था। तभी केनविन उसे रोक लेती है और कहती है मत भूलो कि हम अंडरकवर है और कैसी धमकियां तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हमें ये बात फॉरेन व्हाइट को बतानी थी। रेक्स कहता है देखा इसलिए तुम्हें नहीं बताया। रेक्स को केनविन कहती है तुम 8 सबसे बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में से 7 तोड़ चुके हो। रेक्स कहता है टेंशन मत लो ये मेरा पहला मिशन नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। केनविन उदास होकर कहती है सही कहा तुम सबसे पुराने खिलाड़ी हो, मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा है, मैं बस तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती हूँ। जिस तरह तुमने मेरा जीता है तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता। रेक्स कहता है देखो मैं तजुर्बे से इतना बता सकता हूँ कि तुम हर चीज व्हाइट नाइट को नहीं बता सकती, कभी कभी चीजें उतनी बुरी नहीं होती है जितना वो दिखती है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, आगे चलकर उन्हें स्क्विड मिलता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्क्विड उनके ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया था। रेक्स उसे संभाल लेता है और कहता है स्क्विड पहले तो कभी अपने नेनाइट इंक को सलर्ट नहीं कर पाया था। केनविन कहती है ये बेहोश हो गया है हमें व्हाइट नाइट को खबर देनी होगी, पर रेक्स मना करता है। इस बात पे दोनों झगड़ने लगते हैं। रेक्स कहता है व्हाइट को जवाब पसंद है सवाल नहीं, मेरे बात पे यकीन करो। केनविन थोड़ा सोचकर राजी हो जाती है। पार्टी को छोड़कर ज्यादातर लोग जा रहे होते हैं। रेक्स कहता है अगर ये पार्टी खत्म होगी तो जिसने स्क्विड के साथ ऐसा किया है वो हाथ से निकल जाएगा। केनविन कहती है अच्छा ही होगा वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसके बाद को इग्नोर करके रेक्स स्टेज पर आता है और अपना परफॉर्मेंस देने लगता है ताकि लोग पार्टी को छोड़कर ना जाए। रेक्स का परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आती है और बोबो को भी। इसके बाद केनविन उसे गाली करती है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। तभी रेक्स उस ईबो को देखता है और वो उसे वही सवाल पूछता है, पर वो माउस आकर उस ईबो को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। केनविन माउस का पीछा करती है। रेक्स कहता है ओफ हो हमेशा चूहे ही गड़बड़ी करते हैं। रेक्स भी उसका पीछा करता है। केनविन माउस से फाइट करती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई ईबो नहीं है बल्कि ये एक बूढ़ी औरत है और वो औरत बताती है कि स्क्विड के साथ उसने ही ऐसा किया था। जब ईबोस को वो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो वो उनके नेनाइट्स उनके एनर्जी को उस हद तक बढ़ा देते हैं कि ईबोस बेकाबू हो जाते हैं। ये सुनकर रेक्स पूछता है तुम हो कौन, कोई साइंस टीचर वगैरह। वो लेडी कहती है सही कहा वो भी 25 सालों से। केनविन पूछती है अगर तुम एक ईबो नहीं हो तो तुमने स्क्विड के साथ ये किया कैसे। ओल्ड लेडी कहती है वो मैंने नहीं किया डियर, मेरे पार्टनर ने किया। उस ओल्ड लेडी का वो ईबो पार्टनर सबको परेशान करने लगता है। वो ओल्ड लेडी कहती है ये कुदरत की सच्चाई है कि इंसान का किसी दूसरे प्रजातियों से कोई मेल नहीं, यहाँ हर एक ने बहुत बड़ा जुर्म किया है और अब बारी है सजा की। लोगों को बचाने की कोशिश में रेक्स पत्थरों के नीचे आ जाता है। केनविन ये देखकर प्रोविडेंस को बैकअप भेजने को कहती है, पर रेक्स खुद बाहर आकर कहता है जब तुम बैकअप के लिए प्रोविडेंस को कॉल करती हो तो वो मुझे ही भेजते हैं। केनविन उस ओल्ड लेडी के ईवो पार्टनर को बेहोश कर देती है और कहती है रेक्स हमें यहाँ से बचाएगा। वो ओल्ड लेडी कहती है उससे पहले सबकी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। केनविन पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई बॉम्ब है। वो ओल्ड लेडी कहती है बिल्कुल है डियर और वो तुम्हारे सामने ही है। वो ईवो अपना आकार बढ़ाने लगता है, एक दूसरा ईवो बोबो को पकड़ लेता है। केनविन आके उसे बचा लेती है। केनविन रेक्स को उस ईबो के बारे में बताती है जो अपना आकार बढ़ा रहा था। रेक्स उस पर अटैक करता है पर उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है और वो ईबो अपना आकार और भी ज्यादा बड़ा करने लगता है। तब भी कोई आके अपने सॉलिड इंक से उस ईबो को हरा देता है और वो होता है हमारा स्क्विड। ये देखकर सब लोग आके उसे थैंक्स कहते है। बोबो पूछता है क्या हुआ था। रेक्स कहता है बात जरा टेढ़ी है, ईबो और इंसान एक साथ काम करे तो ये साबित करने के लिए कि ईबो और इंसान एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर इंसान और ईबो ने एक साथ काम किया और उन्हें रोका। बोबो कहता है क्या बात है, पर मैं ये पूछ रहा था कि मुझे क्या हुआ था। प्रोविडेंस पे केनविन से व्हाइट पूछते हैं रेक्स ने क्या किया। केनविन कहती है जैसे कि मैंने अपने रिपोर्ट में लिखा है इसने अपने हर काम नियम से किया है। व्हाइट कहते हैं तो तुमने मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा एजेंट जोन्स, सिवाय इसके कि तुम दोनों को फिर से एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। रेक्स कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैडेट केनविन कहती है मुझे भी। बोबो आके उन दोनों के गले लग जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। इस एपिसोड में कैडेट केनविन ने अपना रीअपीयरेंस दिया है, साथ ही स्क्विड ने भी, पर आखिर में हीरो बना स्क्विड क्योंकि उसने ही उस ईबो को हराया और उन सारे ईबोस और इंसानों की जान बचाई।
तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।